हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ निदा और आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आप घर पर नमक से कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। नमक से आप घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरी आई है कि घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे किया जाता है, तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रेग्नेंट होना हर लेडी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए वो पल बहुत ज़्यादा खुशी का होता है। हर लेडी जब भी कोई प्रेग्नेंट हो तो वो जानना चाहती है कि वो प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। हाँ, तो फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होना हर लेडी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं, इसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरी आई है। बहुत लोगों ने पूछा है कि घर पर हम प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करें। बिना किट के आप घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। आप किट नहीं परचेस कर पाएँ या कहीं दूर है, कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको अगर लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप घर में कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी। तो फ्रेंड्स, नमक सभी के घर में मौजूद होता है। नमक से आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं, यानी कि नमक से आप पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं। इसका प्रोसीज़र क्या है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ चाहिए? तो फ्रेंड्स, एक तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन लेना है। फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन यानी कि आप जो पहले जो सुबह में उठती हैं, सुबह में उठकर जो पहला पेशाब आप करेंगी वो आपको किसी कंटेनर में या किसी भी चीज़ में आपको ले लेना है। इसके अलावा आपको 3 चम्मच नमक चाहिए। इससे आप घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि ये टेस्ट कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या क्या लेना है, ये हो गया नमक, और आपको यूरिन किसी चीज़ में लेना है, क्योंकि इसमें तो मैं पानी वाटर यूज़ कर रही हूँ। आपको यूरिन लेना है, फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन आपको किसी भी चीज़ में ले लेना है, और नमक यानी कि सॉल्ट। आपको क्या करना है, किसी भी चीज़ में 3 स्पून नमक लेना है, या आपने इसमें नमक ले लिया है इतना 3 स्पून किसी भी कंटेनर में। इसके बाद आपने जिस चीज़ में भी यूरिन अपना लिया है यानी कि पेशाब आपने लिया है, उस पेशाब को आपको इसमें डालना है। हाँ, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें झाग नहीं हुए हैं। अगर जब आप यूरिन इसमें डालेंगी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसमें झाग आपको दिखाई देंगे इस तरीके से, जैसे यह है। इसके अलावा अगर आपको झाग नहीं दिखाई देते हैं, ऐसा सिंपल ही उसमें रहता है, कोई झाग नहीं होते हैं, ऐसा आपको अगर दिखाई दे बिना झाग वाला, नॉर्मल पानी जैसा यानी कि जो पेशाब है वो आपका बिल्कुल नॉर्मल उसमें दिखाई दे रहा है और झाग नहीं आए हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। अगर आपको यूरिन अपना डालने पर आपको 5 से 10 मिनट वेट करना है, 5 से 10 मिनट के बाद आपको उसमें झाग दिखाई देंगे। अगर उसमें आपको झाग दिखाई देते हैं तो आप समझ सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर झाग नहीं दिखाई देते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और हमारी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, निदा हेल्थ केयर। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहती हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये चीज़ करके देखिए।